Hello everyone, myself Jyoti. Hope you are fine. So welcome to my YouTube channel Learning with Fun. Today we are going to study gender. आज हम पढ़ेंगे लिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लिंग शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाते हैं. लिंग के दो भेद होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग. तो फर्स्ट हम देखेंगे पुरलिंग. पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुरलिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, दादा, नायक, शेर, बंदर आदि. स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, दादी, नायिका, शेरनी, बदरिया आदि. अब देखते हैं लिंग की पहचान. पुल्लिंग शब्दों की पहचान. दिए गए नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं. फर्स्ट है पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, यूराल, सुलेमान आदि. देशों के नाम, भारत, अमेरिका, इटली, रूस, जापान, चीन, अफ्रीका आदि. सागरों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, लाल सागर आदि. वृक्षों के नाम, अशोक, पीपल, नीम, बरगद, शीरम, देवदार, चीड़ आदि. ग्रहों के नाम, शनि, मंगल, राहु, बुध, शुक्र, बृहस्पति आदि. दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि. महीनों के नाम, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, माघ, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर आदि. अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल, मक्का आदि. धातुओं के नाम, सोना, तांबा, लोहा, पीतल, काशा आदि. रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, मणिकर्ण, पुखराज आदि. द्रवों के नाम, पानी, घी, तेल, शरबत, दूध, रस, सिरका आदि. शरीर के कुछ अंगों के नाम, हाथ, पैर, सिर, मुंह, माथा, कान, दांत, गला आदि. जिन शब्दों में आ, बड़ा आ, औ, न, पन आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं वह शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं. तो ये सब हमारे क्या थे, ये सदैव पुल्लिंग हो, जहाँ भी मिलेंगे ये पुल्लिंग होंगे. अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान. दिए गए नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, रवि, कृष्णा, कावेरी आदि. भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल आदि. लिपियों के नाम, रोमन, देवनागरी, फारसी, ब्रह्मी, गुरमुखी आदि. बोलियों के नाम, हरियाणवी, भोजपुरी, गढ़वाली, औधी, कुमांगी आदि. तिथियों के नाम, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, एकादशी, द्वादशी आदि. सब्जियों के नाम, गोभी, मेथी, ककड़ी, मूली, भिंडी, तुरई आदि. शरीर के कुछ अंगों के नाम, आँख, नाक, जीभ, गर्दन, हथेली, उंगली, कमर, टांग आदि. मसालों के नाम, अजवाइन, दालचीनी, इलायची, मिर्ची, मेथी, हींग आदि. जिन शब्दों में ई, नी, आनी, आई, या, ईमा तथा अवट, आहट आदि प्रत्यय जुड़े हैं वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं. तो ऊपर जो भी शब्द दिए गए हैं ये हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंग. ये कहीं भी आते हैं सदैव, तो ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के होते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें. एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.